खबर गाजियाबाद से है, जहां देश की पहली रैपिड रेल, आपको बता दें कि बड़ी सौगात जल्द ही जनता को मिलने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही प्रधानमंत्री इसे देश को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम के मद्देनजर केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद जनरल वीके सिंह और गाजियाबाद की महापौर सुनीता दयाल ने निरीक्षण किया। साहिबाबाद रैपिड रेल के निरीक्षण के दौरान गाजियाबाद के कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। माना यह भी जा रहा है कि कुछ ही दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ देश की पहली रैपिड रेल साहिबाबाद स्टेशन का निरीक्षण कर सकते हैं। देश की पहली रैपिड रेल अब आपको गाजियाबाद में दिखने वाली है। आपको बता दूं कि मेरठ से गाजियाबाद का जो सफर है वो बहुत ही कम समय में पूरा होने वाला है। आप में तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आज ये इसको भव्य तरीके से बनाया गया है और बन के ये तैयार है लगभग, और इसका आज निरीक्षण करने के लिए जनरल वीके सिंह यहाँ मौजूद है और आला अधिकारी उनके साथ वहाँ मौजूद है, मुआयना कर रहे हैं। इसके बाद चर्चाओं का विषय ये हो रहा है कि यहाँ रैपिड का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर उनका भी दौरा हो सकता है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी कुछ दिनों बाद यहाँ पर आ सकते हैं, इनका निरीक्षण कर सकते हैं और ये जो सफर है ये लोगों को, गाजियाबाद के लोगों को बड़ी एक सौगात मिल सकती है और इसी के साथ गाजियाबाद के जनता को इसका लाभ मिलेगा। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट। तो देश की पहली रैपिडेक्स रेल का उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द ही इसको लेकर निरीक्षण कर सकते हैं। पीएम मोदी रैपिड रेल का उद्घाटन करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि जनरल वीके सिंह ने भी निरीक्षण किया है। तो देश की पहली रैपिडेक्स रेल है ये, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बड़ी सौगात यहां पर मिलती नजर आ रही है गाजियाबाद को, देश को बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश की पहली रैपिडेक्स रेल का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों देश को पहली रैपिडेक्स रेल मिलेगी। पीएम मोदी रैपिड रेल का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने इसको लेकर निरीक्षण किया। वहीं माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी जल्द ही निरीक्षण के लिए पहुंच सकते हैं।